गाजा में हमास से जंग लड़ रही इजरायली सेना को हिजबुल्ला लड़ाकों से भी सामना करना पड़ रहा है। दावा किया जाता है कि इजरायल और हमास युद्ध में अब हिजबुल्ला भी कूद गया है। हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान सीमा से इजरायल पर लगातार हमले कर युद्ध की आग को भड़का रहा है। हिजबुल्ला दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक माना जाता है। हाल में हिजबुल्ला ने इसराइल पर बमबारी तेज कर दी है। हालांकि इसराइल भी दोनों मोर्चों पर मुस्तैदी से डटा हुआ है। इस बीच हिजबुल्ला ने फिलिस्तीनियों और गाजा के समर्थन में इजरायली सेना के खिलाफ 10 खतरनाक अभियानों को अंजाम दिया। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर शनिवार सुबह 9 बजे 2 बुरकान रॉकेट के साथ कोबरा हिल पर हमला बोला। दोपहर 12 बजे रॉकेट हथियारों का उपयोग कर अल धैरा साइट के पास इजरायली कब्जे वाले सैनिकों को भी निशाना बनाया। दोपहर 2:30 बजे रामिया साइट को निशाना बनाया। शाम 4 बजे ऐता अल शाब शहर के खिलाफ इजरायली हमले के जवाब में बुरकान रॉकेट से जार बैरक को निशाना बनाया गया। इसके बाद इजरायल के कब्जे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में 2 इजरायली साइटों पर हमला किया गया। शाम करीब 4:30 बजे रॉकेट तोप खाने के साथ इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया। शाम करीब 5 बजे हिजबुल्ला ने बुरकान रॉकेट से रमीम बैरक पर हमला बोला। दोनों ऑपरेशन में सीधे लक्ष्य को भेद आ गया। ऐसी आशंका है कि गाजा में चल रही लड़ाई के बीच इसराइल और लेबनान में भी भीषण जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के कुछ घंटों के भीतर ही इजरायली सेना ने भी कड़ा पलटवार किया। IDF ने बताया कि उनके फाइटर जेट ने लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए। इसमें हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच हिजबुल्ला लड़ाके की मौत पर हिजबुल्ला नेता ने इसराइल को कड़ा संदेश दिया। हसन फदल्लाह ने कहा, हथियारों और टकराव की आग के अलावा इजरायली दुश्मनों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हिजबुल्ला अपने रुख और इजरायली कब्जे के विरोध के अपने अधिकार पर दृढ़ रहेगा। प्रतिरोध विजयी रहेगा। हिजबुल्ला लेबनान के सभी बॉर्डरों पर सेना तैनात करना जारी रखेगा। बता दें कि 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्ला आतंकी संगठन इसराइल के इलाकों में रोजाना लेबनान बॉर्डर से सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों में हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। हिजबुल्ला की ओर से ये हमले गाजा में हमास आतंकी संगठन के समर्थन में किए जा रहे हैं। इसराइल की ओर से आरोप लगाया जाता है कि हिजबुल्ला को ईरान पर्दे के पीछे से आर्थिक और हथियारों की मदद करता है।